पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे स्वामी परिवर्तन पूरे देश में पीपल के पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ इस मुहिम में अब तक 5,000 लोग जुड़ चुके हैं, जिसे पीपल बाबा ट्रेन भी करते हैं। अपने अंकल के साथ मैंने भाई बहुत जगह गया हूँ, उनके साथ मैंने प्लांटेशन बहुत करे हैं। अब तक कितने पेड़ लगाए हैं? अभी तक मैंने लगाए होंगे कम से कम 2,000, तो उनके साथ लगा लिए मैंने। इन दिल्ली या? बस इन दिल्ली, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। हम जी जाते हैं कहीं खड्डा उड्डा देखते हैं खाली, वहाँ पे खड्डा मारते हैं, फिर ये पेड़ लगाते हैं, फिर उसमें गोबर ओबर की खाद डाल देते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसमें जाके पानी छोड़ाते हैं जी। ऐसे जहाँ कहीं हमें जगह खाली दिखी जी, रोड के साइड या और कहीं पे भी, या पार्क में कहीं जगह दिखा मुझे, पौधे लेके गए वहाँ पे लगा दिए जी। ऐसे जहाँ कहीं भी जी दिख गया। चलते, कितने पेड़ लगा चुके हो अब तक? तो हम 1500 पेड़ लगा चुके जी, हम अपने हाथ से। पीपल बाबा अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा पीपल के पेड़ देश के अलग अलग हिस्सों में लगा चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं स्वामी परिवर्तन से पीपल बाबा बनने तक का सफर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बन गए हैं पीपल बाबा। स्वामी परिवर्तन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा पहला सवाल ये है कि ये पीपल बाबा नाम कैसे पड़ा? पीपल बाबा कुछ इस तरह से कि हम एक्चुअली हम लोग योग सिखाते थे, ध्यान के कैंप्स वगैरह लेते थे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के ये काम होता था। एक तो ये कारण था। दूसरा, जैसे लोग स्वामी जी बोलते थे, तो वो धीरे धीरे पीपल बाबा वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज़्यादा मुझे देखा करते थे, तो उन्होंने वैसे कहना शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि मेनली ये जो नाम आया है, ये आया है कि मैंने जीवन काल में अपने 60 लाख से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए हैं। वैसे कुल मिला के हमने 1,05,00,000 पेड़ पिछले साल तक लगा चुके थे जो जीवित हैं, उसमें से 60 लाख मेरे पीपल के वृक्ष हैं। और मैंने पीपल वृक्ष को इसलिए चुना क्योंकि नंबर वन, जब हम मैंने देखा कि हम पहले नीम के पेड़ बहुत लगाते थे, आम के लगाए, जामुन के लगाए, एकेशिया का लगाया, कीकर के बहुत पेड़ लगाते थे, शीशम के, लेकिन देखा कि जैसे जैसे हम पीपल के वृक्ष जब लगाते हैं तो लोग उसको तोड़ते नहीं हैं। बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ, तो लोग उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करते। तो हमने फिर ज़्यादा अपना फोकस, अपनी पूरी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज हमने पीपल लगाने में लगाए। पीपल वृक्ष जो है एक अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम है, इसलिए मैं पीपल के वृक्ष लगाता हूँ। और इसमें हमने देखा है कि जो सर्वाइवल रेट है वो मैक्सिमम पीपल वृक्ष में होता है, इसलिए मैं पीपल वृक्ष लगाता हूँ। सर, क्या सोच के इस मुहिम की शुरुआत की? इस मुहिम की कुछ भी सोच के नहीं की गई थी। जब ये इस तरह की शुरुआत हुई तो वहाँ पे स्कूल से ही मैं 10-15 पेड़ डेली लगाने, फिर जब आगे आगे इस क्लासेस में बढ़ते गए तो और ज़्यादा मैं पेड़ लगाने शुरू किए। पॉकेट मनी सारी इसी में जाती थी, फिर जो घर की रद्दी होती थी वो भी मैं बेच के सैपलिंग्स खरीद लिया करता था, और फिर ऐसे ऐसे होता रहा। फिर पहले तो लोगों ने सोचा कि, पेरेंट्स को भी थोड़ा अजीब लगता था कि ये क्या, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पेड़ ही तो लगा रहा था तो लोगों ने कहा कोई बुरी बात तो कर नहीं रहा, चलो पेड़ ही तो लगा रहा है। और मेरे जो बाकी दोस्त भी थे उन्होंने भी उसमें पानी वानी डालना शुरू किया, फिर खाद वाद, एंड अलॉन्ग द वे मैं सीखता गया। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो माली होते थे, तो मैं मालियों के पास बहुत बैठता था, चाय की दुकानों पर जाना, वो करना पक्षियों के लिए बहुत लाभदायक है, तो इसीलिए फिर मैं पीपल के वृक्ष लगाता चला गया। सर, अब तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं और इसके लिए आर्थिक मदद आपको कहाँ से मिलती है? मैंने अभी तक पिछले साल सितंबर 30 तक अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमने 1,05,00,000 पेड़ लगाए हैं कुल मिला के। ये जो मैंने लगाए हैं और जो मैंने फैसिलिटेट किए हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, PSUs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैंपसेस हैं, इको क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेम्पल्स हैं, आश्रम्स हैं, सो उनसे मैंने लगवाए और मैंने खुद भी लगाए। सर, एक आखिरी सवाल कि आगे का क्या टारगेट है आपका और इस मुहिम को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही टारगेट है कि मैं जब तक जीवित हूँ, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक मैं पेड़ लगाता रहूँ।
क्योंकि मुझे इस चीज़ का है कि देखिए हमारे पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं है, हमने आज तक जीवन में कभी सरकार से एक रुपया तक नहीं लिया, ना लोकल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमने अप्रोच ज़रूर किया, हमने लिखा ज़रूर उनको, हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन की कि हमें आप सैपलिंग्स तो दे दीजिए कम से कम, लेकिन हमें नहीं मिले। ठीक है, जो भी कारण रहे हम उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, मैं दिन में 3-4 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं उसी से अपनी सैपलिंग्स खरीदता हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े दिल से जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स जुड़ते हैं और लोगों से अलग अलग लोगों से अलग टाइप्स ऑफ पीपल से हेल्प लेके और उसकी हम मेंटेनेंस करते हैं और फिर वही वाली जो सैपलिंग्स हैं हम लगाते हैं। और कभी कोई फंड छोटा मोटा मिल भी जाता है तो तुरंत हम जाके सबसे पहले सैपलिंग खरीदते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो सैपलिंग्स की होती है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि प्लीज़ हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमें हेल्प कर सकें, आप पृथ्वी की हेल्प कर सकें तो आप प्लीज़ हमें सैपलिंग्स प्रोवाइड कीजिए। मैं सरकार को भी कहता हूँ कि आप हमें बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक जंगल लगाने हैं, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम वॉलंटियर्स लाएंगे, हम लेबर लेके आएंगे, हम अपनी सारी मेहनत करेंगे, आप हमें केवल अच्छी क्वालिटी की सैपलिंग्स दे दीजिए जो कि आपकी नर्सरीज में वैसे ही पड़ी होती हैं। और जो भी है, अगर हमें केवल सैपलिंग्स मिल जाएं तो हम तो इस पूरे भारत को हम ग्रीन कर दें। मेरा टारगेट जो है, मैं 1 करोड़ लगा चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये शरीर छोड़ने से पहले अगर मैं 1 बिलियन ट्रीज लगा सकूं तो उससे ज़्यादा मुझे बेसिकली बस ये है कि, और सबसे बड़ी बात, मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि मैं अपने जैसे जैसे मैं अपनी जॉब छोड़ के और मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूँ फुल टाइम, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और हज़ारों युवक यंगस्टर्स को और पढ़े लिखे यंगस्टर्स को मैं तैयार करूँ जो फ्यूचर पीपल बाबा बने। ओके परिवर्तन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीपल बाबा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा अब तक पेड़ लगाए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मर्जिया जाफर, न्यूज़ पॉइंट।